आज जननायक जनता पार्टी का हम प्रतिनिधिमंडल जो है, हमारा भाई शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला, जिनको समूची दुनिया जानती थी, उनकी जो बर्बरतापूर्ण हत्या कर दी गई, उनके परिवार को सांत्वना देने, उनसे मिलने, उनके परिवार से मिलने आज हम सब लोग यहां आए थे। ये एक ऐसा मामला है जिसको लेकर समूचे राष्ट्र में और समूची दुनिया में हमारे समाज की, हमारे सिस्टम की किरकिरी हो रही है। ऐसे में हम सबको अब बड़े और कड़े कदम उठाने होंगे। मैंने आश्वस्त किया है परिवार को कि उनके भोग के पश्चात वो हरियाणा की सरकार को भी इसके अंदर अपना मांग पत्र दें, क्योंकि हरियाणा का एंगल इसमें बड़ी तौर से जुड़ करके आ रहा है। हरियाणा की पुलिस फिर अलग से उस पर कार्रवाई करे, और जो सीबीआई को लेकर के मांग है वो हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि हम 8 तारीख के बाद दुष्यंत जी के से रिक्वेस्ट करेंगे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री से कि वो सेंटर से बात करके उस पर कार्रवाई करवाएं। ऐसे ही जो जो मामले इनके हरियाणा से जुड़े हैं, जो जो तार हरियाणा से जुड़े हैं, हरियाणा भी उस पर बड़ी मजबूती से कार्रवाई करेगा, ये मैंने आश्वस्त किया है। इनकी यादगार भी हमने एक दवाली के अंदर बनाने का फैसला लिया है, वो हम 8 तारीख के बाद फैसला। कहा जा रहा है कि जब तक पंजाब सरकार नहीं चाहेगी तो केंद्र की एजेंसी को जांच नहीं जा सकती। मुझे लगता है कोई संकोच ही नहीं होना चाहिए पंजाब सरकार को। अगर पंजाब सरकार नहीं चाह रही तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज हो रहा है। ये बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया गया, आम आदमी पार्टी का बड़ा मैंडेट मिला था, लेकिन आपको क्या लगता है वो सक्षम है इस चलाने के लिए? ऐसा है, मैं किसी सरकार को इसका जिम्मेवार नहीं ठहराता। ये कहना भी अच्छा नहीं होगा कि किसी की मौत पर किसी सरकार को या व्यक्ति को जिम्मेवार ठहराना, जब तक कि हमारे पास कोई सबूत ना हो। मैं इसमें हमारे पूरे सिस्टम को जिम्मेवार ठहराता हूं। हम सब भी इसके जिम्मेवार हैं, आप भी इसके जिम्मेवार हैं, सारा हिंदुस्तान इस बात का जिम्मेवार है कि हमने कोहिनूर खोया है। क्यों खोया है? क्योंकि हम अपनी गलतियों को समय रहते दुरुस्त नहीं कर पाए। आज कुछ भाड़े के गैंगस्टर्स, चाहे वो जेलों में बंद हैं चाहे कहीं और हैं, वो इतने मजबूत हो गए कि वो सिस्टम को बाहर से कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसे में ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जैसे पीछे उत्तर प्रदेश में हुई, जिससे बड़ा आइडल सेट हुआ। हरियाणा पंजाब में भी ऐसे सरकार को फैसले लेने हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।